दबंग से परेशान जैमनी अपार्टमेंट वासी। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रोड स्थित जैमनी अपार्टमेंट संभवतः महानगर की एक बड़ी सोसाइटी है, जिसमें रहने वाले कुछ लोगों ने मीडिया के सामने अपनी सबसे बड़ी समस्या रखी। उनका कहना है कि अपार्टमेंट में ही रहने वाले एक दबंग द्वारा अपार्टमेंट की जमीन को हड़प कर वहां जबरिया अपनी दुकान चलाई जा रही है, जिससे अपार्टमेंट वासियों में रोष है। जब सोसाइटी के जिम्मेदारों ने उस दबंग से बात करने की कोशिश की तो उसने धमकी दे डाली। मेरा नाम दिनेश मोदी है और मैं जैमनी पैराडाइज सोसाइटी में निवास करता हूँ। आज की जो ये प्रेस वार्ता हो रही है, इसमें आने का ये कारण है कि हमारी सोसाइटी में कॉमन एरिया होता है जिसमें कि पूरे लोगों का एक हक होता है। जैसे 355 फ्लैट हमारे सोसाइटी में बने हैं, तो मेन गेट के बगल में जो कॉमन एरिया की जगह थी उस पर ज़बरदस्ती कुछ लोगों ने कब्जा करके और दुकान का निर्माण कर लिया है। और ये काफ़ी दिन से किया था, चूँकि अभी नई सोसाइटी नवंबर में बनी है तो उन्होंने GDA से नक्शा मंगाया, उसमें देखा कि भाई मेरी जगह कहाँ कहाँ है, तो पता चला कि ये जगह सोसाइटी के 355 परिवार की है और किसी व्यक्ति विशेष ने उस पर कब्जा करके दुकान बना लिया है। तो उसको सभी लोगों ने, सोसाइटी के लोगों ने कहा कि भाई ये गलत आप बनाए हैं, आप इसको हटाइए यहाँ से, सबकी जगह है। तो वो लोग फौजदारी पर तमाम तरह से आमादा हो गए और खाली नहीं कर रहे हैं। इसीलिए प्रशासन को इस बारे में, ये जो भी हमारे सोसाइटी से आए हुए हैं सभी लोग, सोसाइटी के निवासीगण हैं, सूचना दिए हैं कि इसको, अवैध बनी हुई दुकान को तुरंत खाली कराया जाए और सोसाइटी के 355 लोगों की जगह की रक्षा की जाए। भगवान सूर्य के दक्षिण से उत्तरायण होने, भारतवर्ष में उजाले के प्रतीक पर मकर संक्रांति के अवसर पर अस्मिता हॉस्पिटल परिवार की तरफ से गोरखपुर एवं समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जब हम लोग की RWA चयनित होकर के आई तो कमर्शियल की जगह को और अपनी जैमनी पैराडाइज की जगह को हम लोग बाइफर्केट करने के लिए ग्रिलिंग का काम करा रहे थे। ग्रिलिंग का कार्य कराते समय विवाद हुआ, विवाद के समय नक्शे की जांच की गई, नक्शे की जांच के पश्चात ही स्पष्ट हुआ कि हमारे गेट के बगल में ही, हमारे गेट के गार्ड रूम जो बना है, गार्ड रूम के ठीक बगल में जो जगह है जिसपे आज एग्जीक्यूटिका नामक दुकान श्री JK श्रीवास्तव, जो कि जैमनी पैराडाइज के ही निवासी हैं, के द्वारा चलाई जा रही है, वह दुकान नक्शे के मुताबिक, GDA से पास नक्शे के मुताबिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP के लिए बनाई गई थी। वहाँ पे STP न बना करके इस दुकान को अवैध तरीके से बना करके किसी को रेंट पे दे करके और उसे किराया लिया जा रहा है, जो कि सोसाइटी की ज़मीन है। सोसाइटी की ज़मीन होते हुए हम लोगों का दायित्व है कि हम अपनी जगह को, अपनी ज़मीन को सुरक्षित करें और वापस प्राप्त करें। इसी प्राप्त करने की प्रक्रिया में हम सभी के ऊपर विभिन्न प्रकार के दबाव डाले जा रहे हैं। चूँकि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ तो मेरे ऊपर विभागीय तौर पे गलत तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगा करके भी दबाव डाला जा रहा है। ये करीब सर ये 3 से 4 साल पूर्व बनाई गई और चलाई जा रही है, लेकिन संज्ञान में हम लोग जब नई RWA आई है उसने अभी जाकर के इसका संज्ञान लिया है। खुल गया चटक मटक रेस्टोरेंट, आधुनिक सुविधाओं से युक्त वाईफाई और वातानुकूलित चटक मटक रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट और शुगर फ्री मिठाइयाँ, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज डिशेस, स्कूली बच्चों के लिए प्याऊ मुफ्त, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए 5% तक की खरीदारी में छूट, बर्थडे पार्टी हो या फिर इंगेजमेंट पार्टी, और ऑर्डर ऑन डिमांड फूड पैकेट्स भी उपलब्ध। जल्द आए वेज एंड नॉन वेज चटक मटक रेस्टोरेंट, दिव्य नगर कॉलोनी के सामने, रानी डीहा सेक्टर रोड, खोराबार, गोरखपुर। प्रोप्राइटर अजय सहाय, कॉन्टैक्ट नंबर 9415853926। बिल्डर के स्टाफ राजेश त्रिपाठी, जिसने फर्जी एग्रीमेंट के तहत हमारी सोसाइटी की ज़मीन को कब्जा करके दुकान JK श्रीवास्तव को दे रखा है, उसके संदर्भ में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं। देखते रहिए अमेज़ नाउ।